Hello students, in this video we are going to learn about the lesson ways to multiply and divide. This is a class 5 math and this is a 13th lesson. This is a part 1 video or the first video of this lesson. So all of you watch it carefully, like it, share it, and I believe that you will 100% subscribe the channel. Here we are going to discuss about the things given in the textbook, numericals given in the textbook, and its explanation and its answer one by one. First one is Maniratnam, the cashier. You know the cashier. Cashier generally word used in the bank, who receive the cash and give the cash to you. So the cashier means who handle the cash. Cashier का मतलब होता है जो cash handle करता है, मतलब लेता भी है. और so Maniratnam is the cashier. And what is this story? Maniratnam is the cashier of King Jayan. His job is to find out the salary of all the people who work for the king. Simple होता है. हर जैसे कोई बड़ा स्कूल है तो स्कूल में भी जो ऑफिस होता है वो वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं हर एक की सैलरी कितनी है. किंग के भी जो राजा था, किंग मतलब राजा, जो उसके दरबार में जो लोग काम करते थे तो उसकी सैलरी के बारे में वो सारी चीज़ें देखते थे. दिस चार्ट शो हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे. मीन्स पर डे सैलरी, दैट इज द पर डे सैलरी. लिसन, हाउ मच सैलरी गेट बाय द मिनिस्टर पर डे. पर डे मीन्स हर एक दिन के लिए. मिनिस्टर गॉट 195, हॉर्स राइडर गॉट रुपीज 76 पर डे, एंड कुक गॉट रुपीज 65 पर डे. दैट इज अ पर डे सैलरी. ओके, इन अ डे मतलब पर डे, पर डे हर एक दिन की सैलरी. देन मणिरत्नम वॉन्टेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. ही रोट, देखिए मणिरत्नम को जनवरी मंथ की सैलरी कैलकुलेट करनी हर एक बंदे को. उसने क्या किया, मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए बच्चों, इसको कहते हैं एक्सपांड फॉर्म. उन्होंने क्या किया, 31 को एक्सपांड किया, 30 प्लस 1, ठीक है. एंड 65, जो कुक की सैलरी थी, 65 को कैसे एक्सपांड किया, 60 प्लस 5. इसको एक्सपांड करके मेथड बनाया उन्होंने. यहाँ पर कैसे मेथड, पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया, 6 3 18, ठीक है. उसके बाद ये 6, ये 5 प्लस 30 का हो गया, ये दोनों का क्लियर ये हो गया. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, 60 × 1 एंड देन 5 × 1. आया समझ में आपको, पहली बार फर्स्ट टाइम में 60 × 30 5 × 30, दूसरे बॉक्स में 60 × 1 5 × 1, एंड बाद में सबका किया एडिशन. तो देखो एडिशन किया इन्होंने, 1800 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 5, देखिए 1800 प्लस 150, हमेशा हमें राइट साइड से लिखना है, अगर लेफ्ट साइड से लिखा तो पूरे चांसेस है मिस्टेक्स होने के. तो 0 5 1 हो गया, देन 0 6 एंड देन 5, एंड डू द एडिशन. हियर यू शुड पुट द जीरो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन अवॉइड करना है तो जीरो दे दो. अब इसका एडिशन करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 6 प्लस 5 11, कैरी इज 1, यहाँ कैरी लिख देते हैं, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, फिर से कैरी 1 आ गया, ये आ गया 2. सो हियर आंसर इज 2015. 2015 इज द टोटल सैलरी गॉट बाय द कुक इन द मंथ ऑफ जनवरी. इज क्लियर, आगे देखते हैं. मणिरत्नम, मणिरत्नम्स डॉटर बेला
has learned another method to multiply. She wrote like this and showed it to Bhanu, her brother. अब मणिरत्नम ने जैसे कैलकुलेशन किया वो हमने देखा, उनके बेटी ने अलग तरह से किया, क्या कैलकुलेशंस किया जो हम नॉर्मल करते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है तो आपको अच्छे से जानते हैं कैसे करते हैं इसको। 1 into 5, 5, 1 into 6, 6, पहले के नीचे 0 या तो प्लस कुछ भी दो, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 3, 5 जा 15, कैरी आया 1, 3, 6 जा 18 प्लस 1, 19, है ना, हम भी ना करते हैं इसको ऐसे, ये 5 हो गया, 5 plus 6, 11, कैरी आया 1, 9 plus 7, 10, फिर से कैरी आया 1, ये आंसर आया। तो आंसर सेम आया, यहाँ पर अलग अलग दो मेथड यूज़ किए हैं बच्चों। हेयर टू डिफरेंट मेथड्स आर यूज, वन मेथड यूज बाय द बेला द डॉटर ऑफ द मणिरत्नम एंड वन मेथड यूज बाय द मणिरत्नम हिमसेल्फ। वॉट हिज ब्रदर सेज, हिज ब्रदर सेज अक्का, अक्का मीन्स द एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर सॉरी, अक्का मीन्स एल्डर सिस्टर, अक्का हाउ डिड यू डू दिस, आप कैसे करते हो इसको। अक्का ने मतलब बेला ने क्या जवाब दिया, देखो, We can multiply 65 with 35 in two steps. 65 को multiply करना है हमें 31 से, दो step में किया। पहले हमने क्या किया, 65 multiply by 1 किया, ठीक है। We know that 31 is 30 plus 1, so first multiply 65 with 1 and then 30. तो पहले आपने 1 से multiply किया, second step में आपको ने 30 से multiply किया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने से आपको वही आंसर मिल जाता है। दीज आर द टू डिफरेंट मेथड्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ भानु ट्राइड टू फाइंड द सैलरी ऑफ मिनिस्टर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ही वांटेड टू मल्टीप्लाई 195 into 31। देखिए, फर्स्ट ही हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू मल्टीप्लाई 3, 3 5, फर्स्ट जीरो शुड बी गिवन, हमने पहले जीरो दे दिया, 3 5 जा 15, यहाँ हम 5 लिखेंगे, कैरी आया 1, इसको कैरी के ऊपर लिख देंगे, देन 9 3 जा 27, 27 plus 1, 28, कैरी आ गया 2 ऊपर लिख दिया हमने, 3 1 जा 3, 3 plus 2, 5, अब हमें ऐड करना है, ये 5 आ जाए एज इट इज आएगा इधर वाला, 9 plus 5, 14, कैरी आया फिर से 1, 8 plus 1, 9 plus 1, 10, फिर से कैरी आया 1, 5 plus 1 is 6, तो 6045, ये उसका मल्टीप्लाई आ गया। टू और ये क्या कहता है, देखो, टू मल्टीप्लाई बाय 30 आई फर्स्ट राइट अ जीरो हियर, देन आई ओनली हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब पहले मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 0 मैंने दे दिया और बाद में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम, यहाँ पर बच्चों प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम्पल दिया, यूज बेलाज मेथड, बेला की मेथड यूज करो टू मल्टीप्लाई दीज। चलिए करते हैं बच्चों, ये 32 मल्टीप्लाई बाय 46, पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, कैरी आया 1, 3 6 जा 18, 18 plus 1, 19, यहाँ आप 0 दे दो, प्लस भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, इसका करना है आपको एडिशन, 2 9 plus 8, 17, कैरी आया 1, 1 plus 2, 1 plus 4, and the answer is 1472. Now come to the next page, next example, sorry, 67 multiply by 18. Here first we should multiply by 8, 8 7 ja 56, carry is 5, 8 6 ja 48, 48 plus 5 53, plus यहाँ प्लस भी लिख सकते हो, जीरो भी लिख सकते हो, 1 7 7, 1 6 6, देन 6
सेवन प्लस थ्री टेन, कैरी इज वन, वन सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व, एंड दिस इज द आंसर 1206. हियर वी यूज द बेलाज मेथड टू मल्टीप्लाई और टू सॉल्व बोथ दिस न्यूमेरिकल्स. नाउ हियर दे गिवन सम मोर एग्जाम्पल्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व वन बाय वन. हियर थर्ड फर्स्ट दे शुड मल्टीप्लाई बाय द सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स टू जा ट्वेल्व, कैरी इज वन, सिक्स थ्री जा एटीन प्लस वन नाइनटीन. वॉट शुड यू डू हियर, फर्स्ट पुट अ जीरो और अ पॉजिटिव मार्क हियर, देन मल्टीप्लाइड बाय फोर, फोर टू जा एट एंड फोर थ्री जा ट्वेल्व. नाउ डू द एडिशन, टू इज हियर, एट प्लस नाइन सेवनटीन, वन कैरी इज हियर, वन प्लस टू प्लस वन फोर एंड 1472. सेम वे गिवन हियर एंड वी हैव ऑलरेडी डिड इट, यू शुड सॉल्व इट. नाउ डू दिस इन योर नोटबुक यूजिंग बेलाज मेथड. बेला की मेथड का यूज करके ये आपको एग्जांपल्स आपके नोटबुक में करने हैं. आप इसको रफ कॉपी में भी कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए हम कुछ इसमें से एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे. पहला मेथड था, एग्जांपल था 47 इंटू 19. पहले हम क्या करेंगे, 9 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है बच्चों, 9 सेवन जा 63, कैरी इज 6, देन 4 9 जा 36, 36 प्लस 6, 36 प्लस 6 42, देन 0, 7 1 जा 7, 4 1 जा 4 1, एंड देन डू द एडिशन. हियर 3, 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 4 8, करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज 63 इंटू 57. फर्स्ट वी शुड डू द मल्टीप्लीकेशन बाय 7, 7 3 जा 21, कैरी इज 2, 6 7 जा 43, 6 7 जा 42, सॉरी 42 प्लस 1, 42 प्लस 2 44, देन 5 3 जा 15, कैरी इज 1, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31. Then do the addition. 1 is here. 4 plus 5, 9. 4 plus 1, 5. And then 3. 3591. Now, come to the example number 3rd. And the example is 360 multiply by 12. First, we should multiply by 2. 2 0 ja 0. 2 6 जा 12, कैरी इज 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, एंड डू द मल्टीप्लीकेशन बाय द 1, 1 0 जा 1 0, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, देन इट इज 0, इज 2, 6 प्लस 6, 6 प्लस 7 13, कैरी इज 1, 3 प्लस 1 4, 4320. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑफ द एग्जांपल्स, एंड दिस एग्जांपल इज 188 इंटू 9, 91 सॉरी 188 मल्टीप्लाई बाय 91. फर्स्ट वी शुड मल्टीप्लाई बाय 9, 8 वन जा सॉरी 8, फर्स्ट वी शुड मल्टीप्लाई बाय 1 टू द रेस्ट ऑफ द नंबर्स, 18 जा 8, 18 जा 8, 11 जा 1, देन बाय 9, 98 जा 72, कैरी इज 7, 9 8 जा 72, 72 प्लस 7 79, अगेन कैरी 7, 9 1 जा 9, 9 प्लस 7 16, एंड देन डू द एडिशन. 8, 8 प्लस 2 10, कैरी इज 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, अगेन कैरी इज 1, 6 प्लस 1 7, एंड हियर 2. सो हियर 27,108. Now the next example is 225
multiply by 22. First we should multiply by 2. 5 2 ja 10. Carry is 1. 2 2 ja 4. 4 plus 1 5. 2 2 ja 4. Then plus sign to below the first number. Then we have to again multiply 2. So no need to multiply again. बच्चों यहाँ पर एक बार हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं कि वही दोबारा लिखना है, मतलब 0 5 4 वही आएगा तो वही लिखना है। एडिशन करिए 0 5 9 4 4950। नाउ कम टू लास्ट एग्जांपल, दैट इज 163 मल्टीप्लाई बाय 42। फर्स्ट वी शुड मल्टीप्लाई बाय 2। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, कैरीज 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, देन 4 3 जा 12, अगेन कैरीज 1, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, अगेन कैरीज 2 हियर, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, डू द एडिशन, 6 4 8 एंड 6, 6846। Learned here we have solved all the numericals given on this page. Now come to the another story. Shantaram, a special cook. Shantaram is a special cook who comes only on party days. Shantaram a cook hai, wo sirf party ke dino mein hi aata hai. Last year he was called for only 28 days. पिछले साल उसको सिर्फ हमने 28 डेज बुलाया। फॉर ईच डे ही हैज टू पेड रुपीज 165। हर एक दिन के लिए उसको 165 रुपीज पे करने हैं। फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल। अब पूरे साल में उसको कितने पैसे मिलेंगे, पूरे महीने के 28 दिन के। इफ ही कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर हाउ मच सैलरी विल ही गेट। ठीक है ना, मतलब आपको 28 डेज की भी सैलरी फाइंड आउट करनी है और पूरे साल की भी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर उन्होंने करके दिया, देखिए पहले हम उसको 28 डेज की यहाँ पर काउंट करेंगे, बच्चों कैलकुलेट करेंगे। तो पर डे वेजेस कितना था 165, एंड फर्स्ट ईयर ही हैज कॉल्ड फॉर ओनली 28 डेज, सो वी शुड मल्टीप्लाई 165 by 28. 5 8 ja 40, carries 4. 8 6 ja 48, 48 plus 4 52, carries 5. 8 1 ja 8, 8 plus 5 13, then plus 5 2 ja 10, carries 1. 2 6 ja 12, 12 plus 1 13, carries 1. 2 1 ja 2 plus 1 3, here 0, here 2, here 6, Year 4620। बच्चों उस कुक को 28 दिन की सैलरी कितनी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा उसको, 4620। अब यहाँ पर बच्चों पूरा साल का कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा 1 year इज इक्वल टू 365 डेज, एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कल पहले हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, ओके अगेन कैरी आया 3, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8। अब हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले के नीचे 0 देना है, प्लस भी दे सकते हैं 0 भी दे सकते हैं। देन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 5 जा 30, कैरी इज 3, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, अगेन कैरी 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 9। नेक्स्ट इसमें 2 0 आ गए बच्चों, और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, कैरी आया 1, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, अगेन कैरी 1 आया, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। तो आप सबको क्या करना है, यहाँ पर इन सबका करना है एडिशन। देखिए 0 प्लस 5 प्लस 5, 0 प्लस 0 प्लस 5, तो इनका एडिशन आ जाएगा 5। नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 2,
इसका आंसर आ जाएगा 2. नेक्स्ट 5 + 9 + 8 5 + 9 = 14 14 + 8 = 22. यहाँ क्या ही आया 2. 9 + 9 = 18 18 + 2 = 20. अगेन क्या ही आया 2. 4 + 2 = 6. 60,225 is the amount paid to the cook as a salary for the year. पूरे साल भर के बंदा काम करेगा तो उसको 60,225 रुपए क्या मिलेगी, उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह मिलेगी उसको. नाउ फाइंड द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर एंड द हॉर्स राइडर इन अ ईयर. हॉर्स राइडर की सैलरी कितनी है एंड ये जो मिनिस्टर है उनकी पूरे साल की सैलरी कितने हैं. पर ईयर निकालनी है. मिनिस्टर को 195 पर डे मिलता है और पूरे साल में 365 डेज होते हैं. अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. तीन नंबर से तीन नंबर को मल्टीप्लाई करना है. ध्यान से करेंगे हम. 5 × 5 = 25 कैरी इज 2. 9 × 5 = 45 45 + 2 = 47 कैरी इज 4. देन 5 × 1 = 5 5 + 4 = 9 पहले के नीचे एक जीरो दे दिया. 6 × 5 = 30 कैरी इज 3. 6 × 9 = 54 54 + 3 = 57 कैरी इज 5. 6 × 5 = 6 6 + 5 = 11 देन यहाँ आएंगे एक और दो जीरो आएंगे. देन 3 × 5 = 15 कैरी इज 1. 3 × 9 = 27 + 1 = 28 कैरी आया 2. 3 × 1 = 3 + 2 = 5 सबको ऐड करो. ये जीरो सॉरी यहाँ आएगा बच्चों 5 यहाँ आएगा 7 यहाँ एडिशन करना पड़ेगा. 5 + 7 = 12 12 + 9 = 21 कैरी इज 2 कैरी मैं तो यहाँ लिख देता हूँ. 8 + 2 = 10 + 1 = 11 कैरी आया यहाँ 1. 5 + 2 = 7 एंड द टोटल सैलरी गेट बाय द मिनिस्टर इज 71,175 दैट इज सैलरी गॉट बाय द मिनिस्टर पर ईयर. पूरे साल में उसको इतना मिलेगा. स्टूडेंट हॉर्स राइडर को 365 देखो 1 year = 365 एंड हॉर्स राइडर की सैलरी थी 76. हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सैलरी गॉट बाय द हॉर्स राइडर इन अ ईयर. पूरे साल में हॉर्स राइडर को कितनी सैलरी मिली ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं. 6 × 5 = 30 कैरी इज 3. 6 × 6 = 36 36 + 3 = 39 अगेन 3. 3 × 6 = 18 18 + 3 = 21 यहाँ हम दे लेंगे प्लस. 7 × 5 = 35 कैरी 3. 7 × 6 = 42 42 + 3 = 45 कैरी इज 4. 7 × 3 = 21 + 4 = 25 नाउ डू द एडिशन. 0. 9 + 5 = 14 कैरी आई 1. 5 + 2 = 7 5 + 2 = 7 एंड हियर 2. 27,740 इज द सैलरी गॉट बाय द हॉर्स राइडर इन अ ईयर. कीप इन माइंड स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द आंसर स्पीक द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस. जो क्वेश्चंस वर्ड्स में होते हैं वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनके आंसर भी वर्ड में ही लिखने होते हैं. तो चलो बच्चों ये हमने कर लिया आगे चलते हैं. नाउ फाइंड द सैलरीज ये हमने कर लिया. फाइंड द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर एंड द हॉर्स राइडर इन अ ईयर इसको हमने कर लिया. आगे ईयर एंड ईयर्स ईयर्स एंड ईयर्स. सोहन ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. सोहन हर दिन में कितने ग्लास पानी पीता है 8 ग्लास पीता है. हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 month. अब 1 month देखिए बच्चों 1 month में 30 भी आ सकता है 31 भी आ सकता है 27 भी आ सकता है 21 भी आ. तो हम जनरल ले रहे हैं 30 × 8 जनरल ले रहा हूँ मैं. तो 8 × 3 = 24 तो जनरली मैं कह रहा हूँ कि वो 240.
फरवरी महीना है अलग है, जनवरी का अलग है और मार्च का अलग है। मार्च में 30 होता है तो ये आएगा। फरवरी में दो हैं, 27, 28, लीप ईयर है तो अलग है, नॉर्मल फरवरी है तो अलग है। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेना। अगर फरवरी का पूछा तो आप 27 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लीप ईयर दिया तो 28 से करना पड़ेगा, दिसंबर दिया तो 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मंथ के ऊपर डिपेंड है, यहाँ मंथ नहीं दिया इसलिए मैंने जनरल कैलकुलेट किया 30 दिन का। हाउ मेनी क्लासेस विल ही ड्रिंक इन वन ईयर, अब ये वन ईयर में कितना ड्रिंक करेगा। देखिए वन ईयर में कितना होता है, 365 का 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए 8 5 40 कैरी 4, 6 8 48 48 + 4 52 कैरी 5, 8 3 24 24 + 5 29। तो ये वन ईयर में 2920 ग्लासेस ऑफ वाटर ही विल ड्रिंक इन अ ईयर। नेक्स्ट चलते हैं, इफ 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी ड्रिंक 8 ग्लासेस, एक कॉलोनी है वहाँ पर 125 पीपल रह रहे हैं, ठीक है, और वो कॉलोनी में रहते हैं, वो हर एक बंदा हर दिन में 8 ग्लास पानी पीता है। एवरी वन ड्रिंक 8 ग्लास वाटर एवरी डे, इन अ डे हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन अ ईयर, कैन यू गेस हाउ मेनी ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर यू डे इन योर कॉलोनी। क्या आप कॉलोनी के बारे में, कॉलोनी में क्या हो रहा पता कर सकते हैं क्या? पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, 125 पीपल है, ठीक है, 125 पीपल एंड 8 ग्लासेस। देखिए इन्होंने क्या किया है, लोग कितने हैं देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल पीपल 125, टोटल ग्लास 8, एक दिन में हो गया मतलब 125 लोग हर दिन 8 ग्लास पीते हैं पानी, तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा एक दिन का। कर लेते हैं इसको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 कैरी आया 4, 8 2 16 16 + 4 20 फिर से कैरी आया 2, 8 1 8 + 2 10। तो 1000 ग्लासेस ऑफ वाटर द पीपल ड्रिंक एवरी डे इन द सोसाइटी, अब ये एक दिन का आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 365 से। आपको समझ में आया क्या क्यों करना है, एक दिन में आ गया। देखो टोटल पीपल लोग, टोटल लोग कितने हैं 125, एक दिन में कहानी पानी कितना पी रहे हैं 8 ग्लास, तो सब लोग मिलके एक दिन में कितना पानी पिएंगे 1000 ग्लासेस, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 365 से। बच्चों आपको मैंने सिखाया था पहले भी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, क्यों आसान है क्या करना है, तो बिल्कुल आपको मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस नहीं करनी है, बस ये पहले 3 0 है ना, आंसर में पहले 3 0 दे दो, खत्म। आप कितना बचा, 1 365 1 365 आपका आंसर आ गया। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, तो बच्चे ये आंसर हो जाता है 128 पीपल ड्रिंक्स 365,000 ग्लास ऑफ वाटर इन अ ईयर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं बच्चों हम, यहाँ देखिए क्या दिया है, बी इफ सोहाज हार्ट बीट 72 टाइम्स इन वन मिनट, सोहा के हार्ट बीट एक मिनट में होते हैं 72 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन वन आवर, एक आपको ये पता है ना, क्या पता है, वन मिनट इज इक्वल टू वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड वन मिनट इज इक्वल 6 सेकंड, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर एक मिनट में 72 है, ध्यान रखिएगा एक मिनट में कितने हैं 72, एक घंटे में कितने मिनट हो गए 60, तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। अब फिर याद रखिए 60 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान, इस जीरो को निकाल दो मन से, जीरो को मन से नहीं, यहाँ लिख दिया हमने जीरो को पहले ही, अब मैंने ये जीरो को मिटा देता हूँ क्योंकि जीरो मैंने नीचे दे दिया, ठीक है, ये जीरो से मुझे कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है,
जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान, आप ओनली सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स टू जा, सिक्स टू जा ट्वेल्व, कैरी आया वन, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, फोर्टी टू प्लस वन फोर्टी थ्री, बस आ गया आंसर आपका 4320। अगर एक मिनट में 72 बार हार्ट बीट्स हो रहे हैं तो एक घंटे में हो जाएंगे 4320। चलिए अब हम आगे वाले इसमें चलते हैं बच्चों। नाउ फाइंड आउट, नाउ आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम बच्चों यहां पर। नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन वन डे। अब देखिए इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, एक मिनट में कितने हैं 72, एक आर मिनट कितने हो रहे हैं 60, एंड एक दिन में कितने आर होते हैं 24। इस चीज़ को समझ लीजिए बच्चों, इस चीज़ को अच्छे समझ लीजिएगा, एक मिनट में 72 टाइम्स बीटिंग हो रहे, हार्ट बीट्स हो रहे हैं, ठीक है। वन आर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो हमें यहाँ पर 60 पता चल जाएगा, एंड यहाँ पर पता चलेगा 24। बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो अभी हमने अभी किया था उसका आंसर मिला था 4320, और इसे हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है, इसे हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी इज 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, पहले के नीचे प्लस, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, करो एडिशन 0 8 6, 6 प्लस 6 12 13, कैरी इज 1, 8 प्लस यहाँ कैरी हम दे देंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 1,33,680। तो एक दिन में हार्ट बीट्स इतने हो जाते हैं। नेक्स्ट टास्क दिया है बच्चों काउंट यूअर, ये देखिएगा ये भी आप कर सकते हैं, काउंट यूअर ओन हार्ट बीट्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन वन वीक। तो आप पहले वन मिनट का काउंट करो, फिर वन डे का काउंट करो, फिर सेवन डे का, फिर ईयर का, मंथ का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप खुद के भी हार्ट बीट काउंट कर लीजिए। अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक अराउंड 20 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। बेबी एलिफेंट जो होता है हर दिन में 12 लीटर मिल्क मतलब 12 लीटर दूध वो पीता है। हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 2 ईयर्स। आपको समझ में आया है क्या करना है यहाँ पर, 2 साल में ये कितना पानी बंदा पिएगा, आपको सॉरी दूध पिएगा, उसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। देखो एक ईयर में 365, दूसरे ईयर में 365, हमें 2 ईयर में डेज कितने हो जाएंगे, ये 10, 6 प्लस 6 2, यहाँ कैरी आया 1, 13, फिर कैरी आया 1, 713। तो 2 साल में डेज हो जाएंगे, में डेज हो जाएंगे 720, और उसमें एक दिन का मिल्क 12, ठीक है। तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, इसके नीचे प्लस, देन 1 से मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है, 0 3 7 हम ऐड करेंगे बच्चों, ये 0 6 7 एंड 8। तो 2 साल में वो जो हाथी का बच्चा है, बेबी एलिफेंट है, वो मिल्क पी लेगा 8760, इतना मिल्क वो वहाँ पर पी लेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है, अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक्स अराउंड 2000 लीटर ऑफ मिल्क इन वन डे। जस्ट इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इज। वो एक दिन में 200 लीटर मिल्क पी जाता है बेबी व्हेल। फाइंड आउट हाउ मेनी डेज यू योर फैमिली वुड यूज 200 लीटर मिल्क। 200 लीटर दूध वो एक दिन में पी जाता है। ये सोचिए कि 200 लीटर दूध आपके घर में कितने दिन चलेगा।
हाउ मच मिल्क वुड यू द बेबी ब्लू विल ड्रिंक इन 8 मंथ, 8 मंथ में कितना वो पी लेगा। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक दिन में वो पी रहा है 200, ठीक है। अब 8 मंथ माने 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखो 8 मंथ उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेज, 8 × 3 = 240। तो यहाँ ए हम कंसिडर कर रहे हैं कि सारे महीने 30 डेज के हैं, ये हो रहा है 240 हो रहा है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 240। बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, एकदम सिंपल टेक्निक है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाले तो 20 यहाँ पर, तो ये सारे जीरो दे दो आंसर में, 3 0 दे दो, एकदम आसान है ना। अब 2 से 24 को मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, बस आ गया आंसर। तो इतने सिंपल तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। तो वो पूरे 8 महीने में 48,000 मिल्क पी जाएगा, ठीक है बच्चों। ये वीडियो कैसा लगा, पार्ट 1 कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये था हमारा पार्ट 1, मैं बाकी बचा जो लेसन है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको भेजने वाला हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।